BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले गिरिराज सिंह के बयान ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है और बिहार सरकार द्वारा जारी स्कूलों के कैलेंडर की छुट्टियों की तारीख को देखकर गिरिराज सिंह इतने तिलमिला गए हैं कि उनको नीतीश कुमार और लालू यादव को मोहम्मद नीतीश कुमार और मोहम्मद लालू करार दिया है। गिरिराज सिंह ने तिलमिलाते हुए जो बयान दिया है उसको पहले सुन ले। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है, ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। तो सुना आपने, हर बयान में हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढने वाले गिरिराज सिंह कैसे तिल मिला गए हैं। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में साल 2024 में किस किस दिन छुट्टियां रहेंगी, सूबे के शिक्षा विभाग ने इसे लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है। पहली से लेकर 12वीं कक्षा तक के लिए पहली बार एक ही छुट्टियों वाला कैलेंडर जारी किया गया है। जारी कैलेंडर के मुताबिक साल 2024 में महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज और जीवतिया जैसे त्योहारों पर इस साल कोई छुट्टी नहीं होगी। इसके ठीक उलट ईद के लिए अब 3 दिन छुट्टी होगी। ईद के लिए 18, 19 और 20 जून को स्कूल बंद रहेंगे। अब इसी को आधार बनाकर बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।